ग्रीन चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें चाहिए उसमें सबसे पहले एक गड्डी पूदने के लिए, इसको मैंने डंडियों से उतार लिया और अच्छी तरह धो लिया। इसके अलावा एक गड्डी मैंने धनिया का लिया, इसको भी अच्छी तरह धो लिया। उसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें 3 से 4 जवे लहसुन के, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक लाल मिर्च है और हाफ जो है ना वो प्याज लिया है। इसके अलावा एक लाइम जूस होगा और एक टमाटर, और क्योंकि मेरे पास चिली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ले ली और 1 चम्मच नमक का लिया और हाफ टेबल स्पून जो है ना वो काली मिर्च के लिया। अब इसको हम ग्राइंडर के ज़रिए पीस लेंगे, मोटा मोटा पीसना है। मिक्सर की मदद से मोटा मोटा पीस लिया है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो फिर आप इसको लंगरी में भी कूट सकते हैं, और ब्लेंडर में अगर आप करेंगे तो फिर ये बहुत फाइन हो जाएगी। अभी इसको हम योगर्ट में मिला के और किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जी आपने जितनी बनानी है, फर्ज करें मैंने अभी 3 चम्मच दही का लिया है, उसमें 1 चम्मच ये डालेंगे और इसको मिक्स करके जी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले इमली है, इसको आपने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देना है। उसके आधे घंटे के बाद आपने उसमें से गुठली निकाल लेनी है हाथ की मदद से, और ये जो है ना पुल्प रह जाएगा। ये जो है इसमें जो मसाला जा जाएंगे, इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून जीरा है और 2 टेबल स्पून हमारे पास चीनी होगी, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी का यूज़ ब्लेंडर की मदद से सारा ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम इसको धीचकी में डाल के जो है ना इसको बॉयल करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ये बॉयल होगा। जी इमली की चटनी देखें, आपने गरम करनी है ऐसा ऐसा, देखें आप थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई है। हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट इसको 2-3 बॉईल करना है और इसके बाद हम इसको निकाल फ्रिज में रख सकते हैं। ये खट्टी चटनी होती है, इसमें आप जो है ना बाकी जो आपके मसाला जाते हैं वो इसमें डालेंगे, चीनी काली मिर्च ज़ीरा और चटनी ग्रीन चटनी ये अब डाल के 1 चम्मच। अभी हम इसको ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। ये जो है ना आपकी इमली की चटनी तैयार होगी।